चैनल। होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो। सो रिसेंटली मैंने आलिया भट्ट को देखा कॉफी विद करण में, एंड शी वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एंड उसका ग्लो, उसके कपड़े, एंड आई वॉज जस्ट ग्लोन अप। तो मैंने सोचा वाई नॉट उसका वो जो लुक है वो क्रिएट किया जाए, क्योंकि उसका मेकअप टू द पॉइंट लग रहा था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसने मेकअप किया हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा शाइन उसके फेस पे था, एक ग्लो उसके फेस पे था। तो आई थॉट वाई नॉट वंस मोर एक बार फिर से इंस्पायर्ड बाय आलिया भट्ट एक मेकअप जो है वो किया जाए। मेरे पास वैसी कोई ड्रेस तो नहीं थी, बट दिस वॉज द टॉप जो मेरे पास था, थोड़ा सा मिलता जुलता, मतलब कलर थोड़ा सा मिल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। बट आई थॉट वाई नॉट टू क्रिएट द लुक, एंड मैंने जो है वो अभी मेकअप कर लिया हुआ है, एंड लुक एट दिस, दिस इज इट, एंड बहुत ही अच्छा ग्लो है। और पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पार्टी में भी इसको करके जा सकती हूँ। एंड इस तरीके के मेकअप का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट आप इसमें फील करते हो, ना ऐसा लगता है कि आपने मेकअप किया हुआ है, बल्कि आपने किया भी हुआ होता है, एंड आप जो है इनर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो मैंने ये लुक क्रिएट किया है, एंड किस तरीके से मैंने ये लुक क्रिएट किया है चलिए देखते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस पे कुछ नहीं लगाया है, एंड फेस को प्रेप करने के लिए मैं ये ऑयल है मेरा येका मिनी, और बहुत ही अच्छा ऑयल है वो, थोड़ा सा लेके लगा लूँगी। उसके बाद ये मेरा फेवरेट मिनी प्राइमर, फाउंडेशन जो है मैं ये यूज़ कर रही हूँ फिटमी का, इट्स मेबलिन फिटमी, और ये बहुत ही ऑसम फाउंडेशन है, मीडियम टू फुल कवरेज देता है। तो मैं इसकी ज़्यादा लेयर नहीं, बिल्कुल इतना सा लेकर मैं इसको पूरी अपनी जो फेस है उस पर लगा लूँगी। एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी कंसीलर दिस टाइम, बिकॉज एक तो मेरा जो कंसीलर काम नहीं कर रहा, और दूसरा मुझे यूज़ ही नहीं करना है, मुझे नहीं यूज़ करना। थिंग इज कि इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप हमको चाहिए। सो फाउंडेशन जो है वो मैंने लगा लिया है। सो दिस इज माई पैलेट फॉर कॉन्ट्रिंग एंड कंसीलर, इसमें ये कंसीलर है जो मुझे आज तक बहुत ही येलो सा है, तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कॉन्ट्रिंग करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और उसके बाद जो है मैं नोज़ को थोड़ी शेप दे दूँगी। आलिया भट्ट की नोज़ वैसे ही बहुत ही शार्प है और छोटी सी नोज़ है, तो उसी के हिसाब से मैं एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। दिस इज़ माय बेला वोस्ते हाइलाइटर, और जो एक बहुत अच्छी सी शाइन जो है उनके चेहरे पर रहती है, सो मैं उसके लिए पहले ही थोड़ा थोड़ा मैंने कभी अपने चीक्स पे लगा लूँगी। ब्लशर नहीं किया है, वो भी नहीं किया, बट फिर भी थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं लगा रही हूँ।
सो नाउ दिस इज बनाना पाउडर जो मेरा फेवरेट है इनसाइड का, उसको मैं थोड़ा सा ले लूँगी लाइक दिस एंड मैं थोड़ा सा ऐसे सो नाउ लेट्स कम टू द आईज. आईज का मेकअप करते हैं. आईज जो है वो बहुत ही सिंपल सा मेकअप है, कुछ ज़्यादा मैंने मतलब नोट नहीं किया बट ट्राई करते हैं. तो दिस इज़ माई पैलेट एंड आई लव दिस पैलेट सो सो मच. हालांकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही हूँ बट दिस इज़ SFR और ऑसम है यार ये सारे कलर्स हैं. सो बहुत ही लाइट मेकअप. सो बेस के लिए मैं ये वाला कलर जो है बिल्कुल रोज गोल्ड वो लगा रही हूँ. आफ्टर दैट उनकी थोड़ा सा पिंकिश शेड जो है वो है. सो आई गेस दिस पेस्ट्री कलर विल गो. सो मेन थिंग इज़ कि आपको अच्छे से ब्लेंड करना है और दोनों कलर जो है वो मिक्स हो गए हैं. एंड नीचे जो है वो भी एक टिंटेड आई लाइनर की तरह मैं यही आई शेडो लगा लूँगी और अच्छे से उसको भी ब्लेंड कर लेना है. बहुत ही सटल सा जो लुक है वो उससे आ जाएगा. आफ्टर दैट बारी आती है काजल की. तो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का काजल लगा रही हूँ और पहले नीचे वाला जो कॉर्नर है उस पर लगा लेना है पूरी आई लिड को एंड उसके बाद जो है अपर में भी आपको लगाना है. सो अपर आई लिड पर आपने बड़े ध्यान से लगाना है क्योंकि बहुत अपर आई लिड पर काजल लगाना इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल है. उसके बाद बारी आती है मस्कारा की. तो यहाँ पे मैं मार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. काफ़ी अच्छा मस्कारा है बट थिंग इज़ कि ये बहुत फैलता है तो बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है. तो आप कोई भी अच्छा सा मस्कारा यूज़ कर सकते हैं जो कि फुल कवरेज हो. सो आईब्राउज फिल हो गई हैं एंड आफ्टर दैट आई एम डूइंग द ब्लशर. बहुत ही पिंकिश शेड का मैं ब्लशर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और हल्के हाथों से डैब कर लूँगी. ज़्यादा ब्लश ऑन नहीं दिखना चाहिए. सो हल्का सा ब्लशर किया है एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे अगेन जो मेरा फेवरेट बेला वो उससे हाईलाइटर है उससे चीक्स का जो एरिया है उसको हाईलाइट कर लिया है एंड आफ्टर दैट उसके साथ मैं माथे को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी. एंड लिपस्टिक अभी बाकी है बट मैं सोच रही हूँ लिपस्टिक पहले ड्रेस पहन लूँ फिर करूँ. सो उनका ड्रेस तो बहुत ही ऑसम है एंड मेरे पास वैसा कोई ड्रेस नहीं है बट दिस इज़ द टॉप दैट आई कैन वेयर. और लिपस्टिक लगा लेते हैं. उन्होंने जो लिपस्टिक लगाई है वो बहुत ही न्यूड शेड है, बहुत ही प्यारी सी न्यूड शेड है. सो मेरे पास ये दो लिपस्टिक हैं. वन इज स्टूडियो वेस्ट की, बहुत ही प्यारा न्यूड कलर है एंड दूसरी जो है ये है L18 की. सिंपली ये न्यूड कलर ही है. सो ये दोनों मिक्स करके लगाएंगे. सो लिपस्टिक डन एंड दिस इज़ द ओवरऑल लुक. अभी मैं थोड़े से बालों को सेट कर लेती हूँ क्योंकि बाल जो हैं वो थोड़े वेवी टाइप के होने चाहिए एंड आफ्टर दैट कंप्लीट लुक आपको शेयर करती हूँ.
दिस इज इट, दिस इज द ओवरऑल लुक एंड बहुत ही अच्छा और प्यारा लुक आया है। मैं पूरी तरह उसके जितनी खूबसूरत एंड उसके जितनी प्रिटी तो नहीं लग सकती हूँ, बट आई ट्राइड एंड अपने आप से मैंने ये लुक क्रिएट किया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। एंड फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।